आतंक जारी है, अभी भी लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इन सब के बीच कैमरे में एक भेड़िया नजर आया। दावा किया जा रहा है कि यह वही छठा भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग दिन रात एक किए बैठा है। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बने भेड़िये की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। छठे भेड़िये की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक भेड़ियों का सरदार हाथ नहीं आया है। वो लगातार वन विभाग के कर्मचारियों को छका रहा है। इसी सर्चिंग अभियान के दौरान एक बार फिर भेड़िया कैमरे पर नजर आया। वीडियो में भेड़िया चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। सुबह के समय भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है। महसी के सिकंदरपुर इलाके का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। भेड़िये के दिखने की खबर के बाद आसपास के गांवों में भी हड़कंप मच गया। पांचवां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िये अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िये के हमले में घायल हैं। भेड़िये को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं, कैमरों से निगरानी हो रही है, जाल बिछाए गए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। अब सिकंदरपुर में भेड़िये के दिखने का दावा है, जिससे वन विभाग भी अलर्ट हो गया। उसकी धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों के दिखने का वीडियो वायरल हुआ था, जो बहराइच के नानपारा तहसील का बताया जा रहा था, जिनकी तस्वीर वहाँ एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। भेड़िये के दिखने के 2 वीडियो सामने आए थे। इसमें दोनों भेड़िये एक बकरी को अपने साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दावा था कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़िये की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहां तो एक साथ 2 भेड़िये दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िये के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। अब एक बार फिर कैमरे में भेड़िये की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें वो अकेला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महसी तहसील के दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। महसी तहसील में भेड़ियों का खूनी खेल जुलाई में शुरू हुआ था। छठा भेड़िया अभी भी आजाद घूम रहा है, उसके पकड़े जाने का इंतजार है। वहीं झांसी में भी भेड़िये का आतंक दिखा है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुलगहना गांव में भेड़िये ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। महिला खेत से अपने घर लौट रही थी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के किसानों ने लाठी डंडों से भेड़िये को भगाने की कोशिश की। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। भेड़िये के हमले में घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। और पीछा ही आदमी है थे, 2 लठ लाए थे, वो एकदम दोड़ो सो घोड़े में चिपक गओ। वो बस उन आदमी ने हमने की बचाओ बचाओ, सुन आदमी ने 3-4 लठ दाए, और तब भी नहीं छोड़ो बाने, फिर बड़ी देर छोड़ो एक बार आ गओ, फिर बाने दाए लठ। तो इस तरह बहराइच सीतापुर के बाद अब झांसी में भी भेड़िये का खौफ दिखाई दे रहा है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पश्चिम